नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लेकर लौटे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में उन्होंने उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किया है और उन्होंने राज्य के कई विषय बैठक में उठाए हैं, जिसमें से कुछ पर सहमति बनी है। अब चारधाम हवाई सेवा यात्रा के किराए में 18% जीएसटी को घटाकर अब 5% कर दिया गया है। इस तरह से कैंसर की दवाओं और कुछ अन्य चीजों में भी जीएसटी दरों में रियायतें दी गई हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला वित्त मंत्री उत्तराखंड के प्रतिनिधि के रूप में। वहां मुझे जो बात हम मैंने रखी और मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने इसे स्वीकार किया, उसमें जो हमारे यहाँ धार्मिक यात्राओं पे हेलीकॉप्टर से लोग यात्रा करते हैं और उस पर 18% जीएसटी अभी तक देना पड़ रहा था, हमने आग्रह किया जीएसटी काउंसिल में तो उसे घटा के 5% किया गया, जो हमारी मांग थी। और ये आने वाले श्रद्धालुओं के एक अच्छी खुशी की बात है, राहत की बात है। इस प्रकार अन्य को और भी निर्णय हुए, जैसे कैंसर जो एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में आगे बढ़ रही है, बहुत महंगी दवाइयां मिलती है, उसमें 12% जीएसटी था वो 5% पे हो गया है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो नमकीन है उस पर भी 12% था, अब उसमें शायद उसे भी घटाया 5% हुआ है। यानी कि इस प्रकार के अनेक निर्णय जो जनहित में हो सकते थे 2018, 2019, 2020, 2021 में, जो हमारे कुछ लोगों पे टैक्स बकाया था और वो लोग टैक्स जमा नहीं कर पाए थे उस दौरान, लेट किया तो उन पे पेनल्टी ना लगे, उसको भी माफ़ करने का निर्णय जीएसटी काउंसिल ने लिया है। और उसके साथ साथ अनेकों ऐसे निर्णय हैं जो हमारे जीएसटी काउंसिल ने लिए हैं।